प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योति संस्थान में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कुष्ठ वास्तु से संबंधित चीजें घर में पूजा स्थल किस दिशा में करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, फोन आते हैं कि पूजा स्थल किस दिशा में करें, क्या करना चाहिए, हमने उल्टा कर दिया है। तो उसी के उद्देश्य को लेते हुए हमने एक वीडियो सोचा बनाते हैं कि घर में पूजा स्थल किस दिशा में करें और क्या सफलता मिलेगी, घर में किस दिशा में पूजा घर बनाएं जिससे घर के सुख समृद्धि में वृद्धि हो। घर पहला नंबर कि ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर की दिशा में अगर आप पूजा स्थल बनाते हैं तो सबसे उत्तम माना गया है। इस दिशा में साक्षात भगवान शिव का वास होता है और आपको इस दिशा में बनाना चाहिए, यानी ईशान कोण में अगर आप करते हैं तो सफलता मिलेगा। पूजा करते समय हमारा मुंह, यानी जब हम पूजा कर रहे हैं तो मेरा मुंह पूर्व की ओर अगर रहे तो सबसे अच्छा है, उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। पूरे घर के एक कोने जो कि ईशान कोण का कोना है वहां पूजा स्थल बनाना सबसे उत्तम माना गया है। और पूर्व दिशा की ओर भी आप बना सकते हैं, अगर ईशान कोण में आपको जगह नहीं है तो पूर्व दिशा में ही बना सकते हैं। और उत्तर दिशा से थोड़ा बचना चाहिए क्योंकि उत्तर दिशा में देवताओं का मुंह हो जाएगा, अगर कहीं जगह नहीं हो तो बेशक बना ले, नहीं उत्तर दिशा की तरफ ही न बनाएं, ज्यादातर पूर्व या ईशान कोण में ही बनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब किस दिशा में हमको नहीं बनाना चाहिए, नैऋत्य कोण में पूजा स्थल नहीं बनाना चाहिए। नैऋत्य कोण है दक्षिण और पश्चिम का कोना, वहां के कारक राहु हैं, अगर वहां आप बनाते हैं तो घर में अशांति रहेगी, पैसा आपका दवा में जाएगा। और अग्निकोण, या अग्निकोण में किचन का स्थान होता है और नैऋत्य कोण में विशेषकर लाइटिंग इत्यादि बनाना चाहिए, इसलिए पूजा स्थल कभी न बनाएं। और अग्निकोण में किचन का स्थान होता है, किचन अग्निकोण में भी पूजा स्थल नहीं बनाना चाहिए। और दक्षिण दिशा में भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए पूजा स्थल का, और पश्चिम दिशा में से भी आपको मंदिर बनाने से बचना चाहिए। अगर कहीं जगह नहीं है तो बेशक आप बनाओ, लेकिन पश्चिम दिशा तरफ मंदिर नहीं बनाना चाहिए। इन स्थानों में मन एकाग्र नहीं होता। अगर आपका इन स्थानों में आप मंदिर बनाए हैं, जिन जिन दिशाओं का नैऋत्य कोण, अग्निकोण, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, इन स्थानों में अगर आप मंदिर बनाए हैं तो आप देखिए बैठ करके आपका मन एकाग्र नहीं होगा। आपको बेडरूम में भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अगर आप जहां सोते हैं बेडरूम में कभी मंदिर न बनाएं। बेडरूम में बनाने से घर में अशांति रहती है, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में अशांति, झगड़ा, कलह की भी संभावनाएं बन जाती हैं। शौचालय के निकट भी आपको मंदिर नहीं बनाना चाहिए। शौचालय जहां है उसे सटा हुआ दीवार नहीं होनी चाहिए। रसोई यानी आपको अपने रसोई घर में भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, उससे भी स्वास्थ्य सही नहीं रहता। और वाइब्रेशन ईशान कोण वह पूर्व में अच्छा रहता है, यानी आपको जिन दिशाओं में मैंने बताया वहां नहीं बनाना चाहिए। वाइब्रेशन अच्छा रहता है, सबसे अच्छा ईशान कोण या पूर्व दिशा में, वहाँ बनाने से मन शांति, चित्त स्थिर रहता है, सफलता मिलती है, सिद्धि मिलता है और घर के वातावरण में खुशहाली और वृद्धि होती है। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम आपको बताते हैं कि घर में कितनी मूर्ति आपको रखना चाहिए। घर में दो शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आप घर में दो शिवलिंग रखते हैं तो घर में अशांति उत्पन्न होगी। घर में एक ही शिवलिंग, और कोशिश करिए अंगूठे के पोर के बराबर ही शिवलिंग रखें, छोटा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। और तीन गणेश की मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में तीन गणेश की मूर्ति है, देखिए है तो नहीं, अगर है तो उसको हटा दीजिए या प्रवाहित कर दीजिए, किसी को दे दीजिए, कहीं मंदिर में दे दीजिए, नहीं तो घर में अशांति रहेगी। और दो सूर्य, लोग सूर्य का चक्र रखते हैं, सूर्य की मूर्ति रखते हैं, दो सूर्य के चक्र नहीं रखना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में अशांति बनी रहेगी। तीन दुर्गा की मूर्ति, अगर घर में आपके पास मूर्तियां बहुत सारी लोग रखते हैं, इधर रख दिए उधर रख दिए, इसलिए तीन दुर्गा की मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में अशांति और मन स्थिर नहीं रहेगा, और जो घर का मुखिया है वह बेचैन और रोगी रहेगा। और घर में दो गोमती चक्र, दो गोमती चक्र होता है गोलासा जो भगवान विष्णु के पास रखते हैं, दो गोमती चक्र घर में नहीं रखना चाहिए। और घर में दो शालिग्राम की मूर्ति, ज़्यादातर घरों में लोग शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं, पूजा करते हैं, जहाँ शालिग्राम की मूर्ति होती है वहाँ सभी देवता निवास करते हैं, लेकिन दो शालिग्राम की मूर्ति नहीं रखना चाहिए।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।